अध्याय 13 उत्पत्ति, अब्राहम और लूत के अलग होने का वर्णन। तब अब्राहम अपनी पत्नी शारा और अपनी सारी संपत्ति लेकर लूत को भी संग लिए हुए मिस्र को छोड़कर कनान के दक्षिण देश में आया। अब्राहम भेड़ बकरी गायें बैल और सोने रुपए का बड़ा धनी था। फिर वह दक्षिण देश से चलकर बेतेल के पास उसी स्थान को पहुंचा जहां पहले उसने अपना तंबू खड़ा किया था, जो बेतेल और ए के बीच में है। वह स्थान उस वेदी का है जिसे उसने पहले बनाई थी, और वहां अब्राहम ने फिर यहोवा से प्रार्थना की। लूत के पास भी, जो अब्राहम के साथ चलता था, भेड़ बकरी गाय बैल और तंबू थे, इसलिए उस देश में उन दोनों के लिए पर्याप्त स्थान न था कि वे इकट्ठे रहे। क्योंकि उनके पास बहुत धन था, इसलिए वे इकट्ठे न रह सके। अब्राहम और लूत की भेड़ बकरी गायें बैल के चरवाहों में झगड़ा हुआ। उस समय कनानी और परिजी लोग उस देश में रहते थे। तब अब्राहम ने लूत से कहा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा न होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? इसलिए मुझसे अलग हो जा। यदि तू बाई ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाई ओर जाऊंगा। तब लूत ने आंख उठाकर यर्दन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सींची हुई है, जब तक यहोवा ने सदोम और अरमों का नष्ट नहीं किया था। तब तक सोअर के मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। इसलिए लूत अपने लिए यर्दन की सारी तराई को चुन के पूर्व की ओर चला, और वे एक दूसरे से अलग हो गए। अब्राहम कनान देश में रहा, पर लूत उस तराई के नगरों में रहने लगा और अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया। सदोम के लोग यहोवा के लेखे में बड़े दुष्ट और पापी थे। अब्राहम का हेब्रोन को जाना। जब लूत अब्राहम से अलग हो गया, तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैंने तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दे दिया है, और मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूल के किनकों के समान बहुत करूँगा। यहाँ तक कि जो कोई पृथ्वी की धूल के किनकों को गिन सकेगा, वही तेरे वंश को भी गिन सकेगा। उठ, इस देश की लंबाई और चौड़ाई में चला जा, क्योंकि मैंने तुझे उसी को दिया है। इसके पश्चात अब्राहम अपना तंबू उखाड़कर ममरे के बांज वृक्षों के बीच, जो हेब्रोन में थे, जाकर रहने लगा, और वहां भी यहोवा की एक वेदी बनाई। थैंक यू।